मैं हूं करण कुंद्रा एंड दिस इज डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां डेटिंग एप्स की मस्ती और रियल लाइफ का रोमांस होगा एक साथ। राइट हियर कुछ अमेजिंग टैलेंटेड सिंगल लड़कियां ढूंढ रही हैं अपना परफेक्ट मैच। विद्या, शलब और आफ्ताब में से आप किसे एक्सेप्ट करेंगे और किसे ब्लॉक, ये डिसीजन लेने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स है। ऑडियंस, आपके पास भी सिर्फ उतना ही वक्त है जितना हृदया के पास। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आई एम सॉरी आफ्ताब, इट्स ओके, एंड आई एक्सेप्ट शलब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप एंटर कर चुके हैं हृदया की मैजिकल दुनिया में, हम आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी विद माई सिलेक्शन एंड द टू थिंग्स आई एम लुकिंग फॉर, लॉयल्टी एंड सपोर्ट। मुझे लगता है इन तीनों में कहीं ना कहीं मुझे मिल सकती है। दिव्यांश, शलभ, अनुपम, पहले इंप्रेशंस की गेम तो काफी स्ट्रांग थी, लड़ते लड़ाते यहाँ तक पहुंच गए हो, लेकिन अब आपको फेस करना पड़ेगा द टेस्ट ऑफ स्पीड डेट। हृदया, इन स्पीड डेट्स के दौरान आपके पास होगा एक बस, जैसे ही कोई आपको करे बोर, उसको सुना दो बजर का शोर एंड ही विल बी आउट ऑफ द डोर। एक्साइटेड हृदया? वेरी। तीन तीन लड़कों से सवाल पूछने का मौका है, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो चलिए आप लड़कों का इंतजार करिए इन योर डेटिंग एरिया और मैं एक एक करके लड़कों को आपके पास भेजता हूँ। श्योर। ऑलराइट, या ओके बॉयज। सर, दो तीन नसीहतें दे रहा हूँ। स्पीड डेट है, लंबे लंबे आंसर्स मत देना, टू द पॉइंट रहना, इंप्रेस करना, झूठ मत बोलना, क्योंकि ये डेटिंग आजकल है और झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं। सिंपल। यस सर। चलो बॉयज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सी यू गाइस। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड लाइक सच काइंड ऑफ डेट्स। तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, बट मेरे मन में एक चीज डिसाइडेड थी दैट आई हैव टू बी myself. Well, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है इन लड़कों से कि ये हृदया के सामने अपना सच रखें, बिल्कुल भी झूठ ना बोलें और एक फसाद ना क्रिएट करें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ ये करेंगे तो मैंने भी तो रिसर्च करके रखी हुई है, either they come clean or I become mean. Last relationship क्यों टूटा? वो मेरे को बहुत ही possessiveness था। Possessive कौन था? You or the girl? She was possessive. So you don't like possessive girls? I like possessive, but restrictions नहीं होनी चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो कितने relationships रहे हैं? मेरा एक ही relation था और that was a serious relationship. किस तरह की girlfriend चाहिए आपको? Please मेरे जैसी चाहिए ये मत बोलना। मेरे को चाहिए जैसे मैं down to earth हूँ, वो भी वैसे हो, and I'm very simple family person and I love traveling world. और मेरे को चाहिए वो मेरे साथ पूरी दुनिया घूमे। इसका hangover है पिछले relationship का? Choose two out of three, huh? Family, love and career. Family, then love. अच्छा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड किसी रीजन की वजह से आपकी फैमिली के साथ डिसएग्री करे तो क्या करोगे? आई थिंक फैमिली को भी और गर्लफ्रेंड को भी हम इक्वली लेके चलूंगा। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी? ओह माय गॉड, अभी तक हुई नहीं है। I was 20, मैं मॉरिशस में पढ़ रहा था. Then I get to know someone. So then eventually we had a special moment. Do you carry condoms for your first date with a girl? No, to be very honest, I don't carry. So agar aap mere se kisi club mein milte hain, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं? तो मैं ऐसे ही अप्रोच करता जैसे इस समय मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपकी आंखों की अप्रूवल की वेट करता कि आप मेरे को कब अपने पास बुला रहे हो। Describe the most romantic date जो मेरे साथ इमेजिन कर सकते हो। So we can go on a long drive. Okay. अब मेरे साथ with a good music. I love long drives. Okay, that. So condom लेके जाएं कि ना लेके जाएं? तो उसके बाद we'll listen to a good music, then we can have a good dinner at the beach, romantic candlelights, wine will make it more beautiful. What would you say if I say the following? Come home with me tonight. चलो चले. Let's go. We'll cook food together. Let me hold your hand. Let's go. If I want to have a one night stand with you. Just like one night or puri zindagi padi hai iske liye? This is nice. She's blushing or you are blushing, bro? I think Hridaya thodi si bore ho gayi thi isse, kyunki wo bahut I think wo enamored hai
रिद्या से, उसकी असली पर्सनालिटी बाहर नहीं आ रही है, बहुत दिल फेक टाइप का है। अपने बारे में दो ऐसी बातें बताओ जो आप यूजुअली लड़कियों को फर्स्ट डेट पे नहीं बताते। I can miss dates if I have to go to gym. Okay. And I love to sleep. 10 से 12 घंटे मुझे सोना पसंद है। आज तक कितनी लड़कियों को डेट किया है? Casual fling series all included. डेट किया, I think it was three of them serious ones. Serious. Casuals nearly 10 to 12. ये casuals लड़कियों की बात कर रहे हैं कि कपड़ों की बात कर रहे हैं? अगर किसी लड़की ने अपने पास्ट रिलेशनशिप पे चीट किया हो तो उसे डेट करोगे? Yes, definitely. I don't judge a girl with what she's done in the past. So Hriday was actually surprised and she was like, really? Have you received any indecent proposal? A lot. भाई ये ब्रैड पिट है क्या? सब कुछ इसी को मिल रहा है। Tell me the craziest one, no? The craziest, it has been a recent one. I was there at a mall doing a concert. I was like, good evening everyone. Welcome to the concert. और लड़कियां गिर गई बस। One of the girl actually stalked me on Instagram, started following me and started stalking me. मैं वेट कर रहा हूँ अभी भी indecent कब होएगी? It became very indecent when she straight away jumped up to me and she said, कि मुझे ना आप पे क्रश है। अच्छा ये इसका इंडिसेंट है। इफ योर एक्स वर टू आंसर दिस तो वो क्या बोलेगी? इन यस और नो? हां, अनुपम अमेजिंग बॉयफ्रेंड है। यस, तभी मेरा एक्स है। अनुपम इज अमेजिंग इन बेड। या डेफिनेटली। अनुपम इज अ हॉरिबल किसर। नो, आप बाकी दो लड़कों से बेटर हो। यस ऑफ कोर्स। तुमने तो सबको ट्रेन किया। लास्ट टाइम प्यार कब हुआ था? 2016 mein, I think, when I saw this beautiful, tall girl in front of me, and I actually thought, ki, you know, she's out of my league. But kahin na kahin kuch connection hua. That's it, started. How long were you dating? I think 2 years. The saddest part about that is, like, since the very beginning, I knew the reality, but I was like, theek hai, ho jayega. In short, she was already married. What? And in 2 years, aapko pata nahi chala? Pata tha. She told me the same thing, ki haan, शादीशुदा हूं लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूं। यहां मैं धोखा खा गया। ठोकर है इसका भी किसी ने काटा है। जब बताया पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, वो थोड़ा शॉक जरूर हुई, बट उसके बारे में भी मैंने पूरी तरह से बताया कि हाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, और सारी चीजें बताई। अनुपम के डेट में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे लगा दैट ही इज प्लेइंग इट वेरी सेफ, और वो कहीं ना कहीं अपनी अनफिल्टर्ड पर्सनालिटी मेरे आगे नहीं ला रहे। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड आपको डिस्क्राइब करे तो वो क्या कहेंगे? द मोस्ट लॉयल फ्रेंड वन कैन एवर। और मॉम? मेरी जान, बट स्टार मार्क करके द नॉटीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ये तो हर किसी मॉम बोलती है। और एक्स? हरामी। Obviously, ex-girlfriend है, कुछ misunderstandings तो हुई थी हमारे बीच में and हमारा relationship properly on a good term नहीं end हुआ था। एक ideal girlfriend कैसी होनी चाहिए according to you? एक ideal girlfriend smart, intelligent, focused towards her career also and yeah, should pamper me. Last breakup क्यों हुआ? Girlfriend को मतलब she didn't respect my family actually, तो मेरे को वो बहुत बुरा लगता था and plus she was a bit behind my money also. वो सुनेगी तो मारेगी। I don't think Hriday को बिल्कुल भी अच्छा लगा कि किसी और लड़की को गोल्ड डिगर बुलाएं। On a scale of 1 to 10, how good looking do you think I am? 12 on 10, 2 marks, 1 mark for your tattoo and on the back and the other one for your long ears. Thank you. पीछे से कब देखा इसका? Have you had sex in public place? If yes, come. No. I think intimacy in a relationship, private होनी चाहिए। Basically, लोगों को नहीं दिखना चाहिए कि मैं कितना खराब हूँ। अपनी wildest fantasy बताओ। Sex on the beach. So he was like, sex on the beach is okay, but not making out in public. I was like, man, get your facts clear. So, सबसे crazy चीज़ क्या किया आज तक? एक बार एक dare में, we were on a vacation, तो एक policeman को थप्पड़ मारा था. He said very proudly, मैंने एक policeman को चाटा मारा. Now I don't know what to say. See you soon. Bye. Bye. So, how do you want me to entertain you? So I think you're a teacher, right? Yes. Teach us something. कुछ अच्छा सा करना पड़ेगा तो चपेड़ी पड़ेगी। आज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तुम लोग ही पहन लो यार। भाई तुझे लड़की पटानी है, लड़का डिसाइड कर ले। सो व्हाट इज द मोस्ट, जब मैं कुछ कर नहीं पाया तो थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता था एक्चुअली, बट थोड़ा नर्वस हो गया था मैं बीच में। सारे प्रॉप्स वगैरह सब कुछ उठा लिए उसने, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी लिया, पर किया कुछ भी नहीं। तो एंड में वो फ्लॉप शो ही गया उसका। तो उसके बाद मैंने कहा लेट मी डू सम इनिशिएटिव, तो मैंने फिर
पंजाबी बंदे हैं, भंगड़ा है, कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं, भंगड़ा शुरू किया। आई थिंक दिव्यांश का भंगड़ा वॉज जस्ट क्रेजी, आई एंजॉयड इट। कुछ ना कहो। अबे यार इसकी ट्यूनिंग नहीं हुई यार। इट वॉज रियली डिप्रेसिंग फॉर मी बिकॉज ये तीनों लड़के टीनेज ड्रामा कर रहे थे एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि क्या मैंने सही लड़कों को चूज करा है। इसको छोड़ो यार, सीधा ही ना बस। हाँ। मैं बहुत नर्वस हो गया था फिर कि डर लग रहा था कि दो बार बैक टू बैक गलत हो गई है चीजें। आई विल जस्ट प्ले अ शॉर्ट गेम विद हर। बहुत सिंपल सा गेम है, ठीक है। आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, रैंडम क्वेश्चंस। डू नॉट स्टार्ट योर आंसर्स विद यस नो एंड आई। ओके ओके। जब अनुपम ने गेम स्टार्ट किया, आई वाज लाइक फाइनली दे आर बैक ऑन ट्रैक। व्हाट्स योर नेम? रिद्या। वेयर आर यू फ्रॉम? झांसी। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? गॉट इट। ओवर। अच्छा टेल मी, इफ आई कम इनटू अ रिलेशनशिप विद यू गाइस राइट नाउ, लाइक वन बाय वन, ओके, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन स्टार्टिंग विद यू? आई विल बी डंबस्ट्रक। क्योंकि मेरा कोई चांस लग तो रहा नहीं है, तो कैसे मान जाएगी? मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ी प्रॉब्लम्स, मतलब यू वर सेइंग कि मैं चीजी लाइंस मार रहा हूं और ये कर रहा हूं, तो मतलब वो क्वेश्चन फैक्टर ऑलरेडी लॉस्ट हो, वो लोनली है। सो इट वुड बी अ नाइस अपॉर्चुनिटी, तो क्योंकि एक लाइफ एक्सप्लोर करने का एक और अच्छा बेहतर मौका मिलेगा। मुझे नौकरी मिली है। नहीं, इस मोमेंट मेरी भी हंसी निकल गई और हृदय की भी हंसी निकल गई कि ये क्या एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो कि अपॉर्चुनिटी है। हेलो बॉयज। हेलो। ट्रस्ट मी, जो पूरे हिंदुस्तान के सामने तुमने अपनी अपनी बैंड बजवाई है उसके आगे तो अब जरा रिमिनिस करो कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। एक काम करते हैं, उसी का चॉइस है ना? Yes. उसी से पूछते हैं। लेट्स स्टार्ट विद शलभ। आई थिंक शलभ को ना बहुत जल्दी ऐसा बता देने की आई फील सो इज वेरी इमैच्योर। अगर आई एम वांट टू टेल एवरीथिंग टू अ पर्सन जिसके साथ अगर मैं डेट पे जा रहा हूँ एंड इमैच्योर बोला तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। दिव्यांश। दिव्यांश इज अ गुड डांसर, आई लाइक इट। मेरे को वहां से पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू होगी कि मैं कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग रहा हूँ बिकॉज शी सेड ही इज वेरी स्वीट एंड जब उन्होंने स्वीट कहा मैं तो और मीठा हो गया था। मिस्टर अनुपम। ही इज अ Playboy. He is very conscious about his answers always. जो बात वो कर रही थी कि playboy type है वो है। साले के साथ यही होना चाहिए था। अच्छी बात है, हो गया। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो इन्होंने आपको नहीं बताई। अब आपको एक नया नजरिया देने के लिए मैं आपको तीन statements दूंगा। Okay. हर statement आप तीनों में से किसी ना किसी एक का सच है। So now, it's the right time to own your truth. जब करण ने बोला कि अब एक-एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, एक-एक स्टेटमेंट जो इन लड़कों ने कहा है, तो मुझे थोड़ा सा डरा जरूर था, ऑफ कोर्स। स्टेटमेंट नंबर वन, इन तीनों में से किसी एक ने अपने स्कूल के टाइम पे अपनी टीचर के साथ फ्लर्ट किया था जस्ट सो दैट ही वुड गेट बेटर ग्रेड्स। स्टेटमेंट नंबर टू, इन तीनों में से किसी एक ने ये एडमिट किया है कि वो किसी कमिटेड लड़की को अप्रोच करने से हिचकिचाएंगे नहीं। स्टेटमेंट नंबर थ्री, इन तीनों में से कोई एक ऐसे हैं जो कि इंटॉक्सिकेटेड हालत में एक बीच पे पाए गए थे नंगे चलते हुए। तीन स्टेटमेंट्स में तीनों बताए गए थे तो मुझे पता लग गया था मेरा क्या स्टेटमेंट था। बॉयज शुरू करें, कौन अपना सच एक्सेप्ट करना चाहेगा? आई एक्सेप्ट। यस, ड्यूरिंग स्कूल टाइम मेरे जो फिजिक्स मैम थे, so I flirted with her not to get good marks because ki she was very kind and yes maine flirt kiya unke sath and it was not ki ek relationship wala flirt, ek normal ki ma'am you're looking very beautiful us samay to tune ye confess kiya hai aur hamare paas on record hai ki marks ke liye kiya, marks ki baat hui thi, marks ki baat bhi hui thi mere marks ka, ye sirf ek cheez kehna chahta hu। तो दो मिनट पहले झूठ बोल रहा था। नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, उसमें ये भी मेंशन है मार्क्स। तूने मुझे अभी मेरे सामने रिवाइंड करूं, कितने कैमरा गिन रहा है? 1, 2, 3, 4। जस्ट ओन इट यार। यस, सिंपल। जस्ट ओन इट। यस, सिंपल यार। आई डिड। इट्स ऑल राइट। मेरे मन में ये था कि ओ माय गॉड, कि उसको अभी तक मैं पॉजिटिव लग रहा था कि अभी इसके बाद भी पॉजिटिव वाइब्स उसको मेरे से आएंगी कि नहीं। I'll go. Yeah, for the statement ki I think committed ladies ko main approach kar sakta hu, jo ki maine aap bataya saaf saaf maine kiya hai, sachchai baad mein pata chali, lekin uske baad hi maine date kiya,
जस्ट बिकॉज उन्होंने बोला कि मैं उसे छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ आऊंगी क्योंकि तुमसे प्यार है. नो नो, दिस इज नॉट अबाउट हर. ये हमारी बात हो चुकी है स्पीड डेट में. दैट टॉपिक इज क्लोज. यस, आपने कहा कि आप अब भी हिचकिचाएंगे नहीं किसी कमिटेड लड़की को अप्रोच करने के लिए. अगर मैं सिंगल हूं तो नहीं. तो बट शी इज नॉट ना. शी इज ऑफ कोर्स हां. बट द लेडी इज नॉट. शी वांट्स टू गो आउट एंड हैंग आउट विद मी. अप्रोच करना सिर्फ सब सेक्स करना नहीं होता. आपने देखा कि यहां पे क्या हुआ? या He has just twisted the whole answer in the very beautiful way. एक तो विद्या ने ऑलरेडी यहाँ पे काफी नेगेटिव बोल दिया है कि मैं प्ले बॉय हूँ, ये हूँ, एंड यहाँ करण सर एक और सीक्रेट लेके आ गए जो कि काफी हिटिंग था और वो चीज काफी जज करने लायक था कि मेरे कैरेक्टर शायद ऐसा ही है. तो मुझे एक्चुअली थोड़ा वहां पे जरूर डर लगा कि ये मैं कैसे संभालूंगा इस मोमेंट को. थर्ड वाला मेरा है. कौन सा? The walking naked on the beach. अच्छा. ठीक है यार, I was around 19-20 years old. That is old enough. हाँ तो नहीं. उस time थोड़ा नंगा घूमने में मजा आता. अरे सर सुन तो लो, intoxicated abuse नहीं कर. I wanted to enjoy the man. सर नहीं. कपड़े ला दिए मैं. सर मेरी बात तो सुनो सर. Intoxicated. First time drink try करी थी. I never drink and smoke. Currently भी अभी नहीं करता. उस time एक बार friends के साथ गए थे तो किया था. उसमें. So where were your friends? They left you naked. नहीं वो पता नहीं कहाँ चले गए थे. They were also अपने नशों में थे. But मेरे को ये याद नहीं है. फिर a friend of mine only came back to the beach and like saw me and then put clothes on me and then I don't remember that thing. इतना ही मेरे को बताया. वो भी मेरे को बताया. I don't remember. It was the first time I ever tried alcohol. रिद्या का reaction obviously वो थोड़ा हंसी थी बीच में. And करण सर मेरी और टांग खींचे जा रहे थे कि अच्छा ये कर रहा है वो कर रहा है ऐसे. बट एक फन एटमॉस्फेयर हो गया था. मतलब इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद जब मेरा वो आया एक स्टेटमेंट तो इट वाज ह्यूमरस. आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन के बाद आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल गया होगा तीनों का. सो आई एम मोर क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट एंड व्हाट नॉट. या ऑफ कोर्स. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि इट्स डिसीजन टाइम एंड यहाँ से आगे सिर्फ दो लड़के जाएंगे. मैं दरवाजे के उस पार आपका वेट करूंगा. जिन दो लड़कों को आप जर्नी में आगे ले जाना चाहती हैं और अच्छी तरह से जानना चाहती हैं उन्हें आप वहां ले आएंगे. Sure. और तीसरा यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा. उसकी जर्नी यहीं खत्म हो गई. बॉयस अब आपके पास मौका है जो कुछ भी समझाना है, जो कुछ भी आपको लगता है कि ये शायद मैं पर्सपेक्टिव नहीं समझा पाया जब मैं यहाँ पर था, अब आप समझाएंगे. ऑलराइट, so that she can decide. Vidya? Yeah. Thank you so much. Wait. Group date के दौरान रिद्या के सामने हुए कुछ shocking revelations. इस स्टेज से आगे बढ़ेंगे सिर्फ दो लड़के. इतनी दूर आने के बाद दिव्यांश, अनुपम और शलभ में से कौन होने वाला है लॉक?